भले ही टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा डबल सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी सर डॉन ब्रैडमैन के नाम है, लेकिन दोस्तों इस खास वीडियो में हम आपको उन भारतीय खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा दोहरे शतक लगाए हैं। तो दोस्तों इस लिस्ट में पांचवे नंबर पर है टीम इंडिया के दिग्गज खिलाड़ी सुनील गावस्कर। दोस्तों गावस्कर ने टीम इंडिया की ओर से खेलते हुए टेस्ट क्रिकेट में कुल 4 दोहरे शतक बनाए। साल 1971 में गावस्कर ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना पहला दोहरा शतक जड़ा, जिसके बाद उनका दूसरा दोहरा शतक भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ ही 1978 में आया। साल 1979 में फिर गावस्कर ने इंग्लैंड के खिलाफ 221 रनों की पारी खेली और फिर उन्होंने अपना चौथा दोहरा शतक साल 1983 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ मारा। नंबर 4 राहुल द्रविड। दोस्तों टीम इंडिया की वॉल कहे जाने वाले राहुल द्रविड ने अपने टेस्ट करियर में कुल 5 दोहरे शतक लगाए। द्रविड ने साल 2000 में जिम्बाब्वे के खिलाफ नाबाद 200 रनों की पारी खेली। इंग्लैंड के खिलाफ फिर उन्होंने अपना दूसरा दोहरा शतक जमाया जो साल 2002 में बना। साल 2003 में राहुल द्रविड के नाम 2 दोहरे शतक दर्ज हुए जो उन्होंने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मारे। फिर साल 2004 में राहुल ने अपने टेस्ट करियर का 5वां दोहरा शतक लगाया जो कि पाकिस्तान के खिलाफ था। नंबर 3 सचिन तेंदुलकर। अब बात करते हैं भारत के सबसे महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की। दोस्तों सचिन ने अपना पहला दोहरा शतक साल 1999 में न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया। उसके बाद उन्होंने साल 2000 में 201 रनों की नाबाद पारी खेली जो कि जिम्बाब्वे के खिलाफ आई। साल 2004 में इस खिलाड़ी के नाम 2 दोहरे शतक दर्ज हुए। पहले तो सचिन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नाबाद 241 रन मारे और फिर बांग्लादेश के खिलाफ 248 रनों की नाबाद पारी खेली। इसके बाद फिर सचिन ने 2010 में ही पहले श्रीलंका के खिलाफ 203 रन और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 214 रन जड़कर अपने करियर में कुल 6 दोहरे शतक अपने नाम किए। नंबर 2 वीरेंद्र सहवाग। दोस्तों भारत के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने अपना पहला दोहरा शतक पाकिस्तान के खिलाफ लगाया जिसे उन्होंने तेरह शतक में तब्दील किया। साल 2005 और 2006 में भी सहवाग ने पाकिस्तान के ही खिलाफ अपने अगले 2 दोहरे शतक जड़े। पाकिस्तान के बाद फिर सहवाग ने 2008 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने दोहरे शतक को तेरह शतक में बदला। फिर साल 2008 और 2009 में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 2 दोहरे शतक जमाए। नंबर 1 विराट कोहली। साल 2011 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना डेब्यू करने वाले विराट कोहली ने अपना पहला दोहरा शतक भी इसी टीम के खिलाफ साल 2016 में बनाया। इस साल कोहली ने न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ भी 2 और दोहरे शतक जमा दिए। साल 2016 के बाद 2017 में भी कोहली का बल्ला जमकर बरसा और इस साल भी उन्होंने 3 दोहरे शतक लगाए। पहले तो कोहली ने बांग्लादेश के खिलाफ 1 दोहरा शतक मारा और फिर श्रीलंका के खिलाफ 2 दोहरे शतक जमाए। कोहली का 7वां दोहरा शतक साल 2019 में आया जब उन्होंने नाबाद 254 रनों की पारी खेली। दोस्तों आपको क्या लगता है कि विराट कोहली सर डॉन ब्रैडमैन के टेस्ट में 12 दोहरे शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर लिखें।